हेलो एवरीवन, जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं हूं गौरव सिंह और मैं आपके लिए लेकर आया हूं एनसीईआरटी फिजिक्स क्लास 12th चैप्टर नंबर 7। और इस चैप्टर का नाम है प्रत्यावर्ती धारा यानी ऑल्टरनेटिंग करेंट। और आज जो है इसमें हमारा पार्ट नंबर 2 है। ठीक है, पार्ट नंबर 1 तो मैंने आपको करा दिया था पिछले वीडियो में, और आज जो हम कर रहे हैं वो पार्ट नंबर 2 कर रहे हैं। ठीक है, आज के इस टॉपिक में जो हम करने वाले हैं, प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान ज्ञात करने वाले हैं। ठीक है, क्या करेंगे हम? प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान ज्ञात करेंगे। देखिए, जैसे कि मैंने यहाँ पर प्रत्यावर्ती धारा का ग्राफ बनाया है। ठीक है, इधर मैंने टाइम लिया है और ये विद्युत धारा है इधर। और जब हम ग्राफ जो खींचते हैं वो कुछ इस तरीके से आता है। इससे पिछले वीडियो में मैंने आपको पार्ट नंबर 1 में बताया था कि प्रत्यावर्ती धारा या प्रत्यावर्ती वोल्टेज या प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल का जो ग्राफ होता है वो ऐसा ही क्यों होता है। मैंने आपको ये प्रूफ भी किया था, वैल्यू रख करके मैंने इसको सिद्ध करके दिखाया था। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने प्रत्यावर्ती धारा के लिए ग्राफ बनाया है ये। ठीक, और आज जो हम इसमें करने वाले हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो है प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान यानी कि एवरेज वैल्यू। ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान निकालने वाले हैं हम, और वो भी पूरे एक चक्कर के लिए। किसके लिए? पूरे एक चक्कर के लिए। देखिए, वैसे जो औसत मान होता है एक संपूर्ण चक्र के लिए वो सदैव क्या होता है? शून्य होता है। आइए समझते हैं फिगर से शून्य होता ही क्यों है। देखिए, आप देख रहे हैं ये अर्धचक्र है, यहां तक ये जो है धारा का क्या है? अर्धचक्र है। तो आप देख रहे हैं जितना मान धारा का धनात्मक अर्धचक्र में होगा ठीक उतना ही धारा का मान ऋणात्मक अर्धचक्र में भी होगा। ठीक है, और यदि मैं पूरे एक चक्र के लिए औसत मान निकालना चाहूं तो अर्धचक्र में जितना मान आया है धनात्मक में उतना ही मान ऋणात्मक अर्धचक्र में होगा। ठीक है, और जब दोनों को आप ऐड करेंगे तो कुल मान क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। आज हम इसको प्रूफ भी करेंगे कि पूरे एक चक्र के लिए धारा का जो औसत मान होता है वो शून्य होता है। ऐसा बोर्ड में कई बार पूछा जा चुका है कि सिद्ध कीजिए पूरे एक चक्र के लिए प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान शून्य होता है। ठीक है, तो आइए आज हम इसको प्रूफ करते हैं। ठीक है, लेकिन प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे? पहले हम या तो धनात्मक अर्धचक्र के लिए निकालेंगे, फिर हम ऋणात्मक अर्धचक्र के लिए धारा का औसत मान निकाल लेते हैं। दोनों का औसत मान अर्ध अर्ध चक्र के लिए निकाल लेते हैं, और पूरे एक चक्र के लिए बाद में हम ऐड कर देंगे, और बाद में हम देखते हैं कि क्या आता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? धनात्मक अर्ध चक्र के लिए धारा का औसत मान हम निकाल लेते हैं। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे हम। यहां लिखेंगे हम धनात्मक अर्ध चक्र के लिए प्रत्यावर्ती धारा का, ठीक है, औसत मान ठीक है कैसे निकालेंगे हम? देखो, धारा का औसत मान निकाल रहे हैं तो धारा का t के सापेक्ष समाकलन कर दीजिए आप। ठीक है, और अर्धचक्र के लिए निकाल रहे हैं तो अर्धचक्र के लिए टी बाई टू का डिवाइड कर दें और जीरो से टी बाई टू आप लिमिट लगा दें। बिल्कुल सिंपल सा तरीका है, आप इसी तरीके से औसत निकालेंगे। ठीक है, आगे भी अगर आपको औसत निकालने के लिए आए तो यही फॉर्मूला यूज करेंगे आप, क्योंकि धारा का निकाल रहे हैं तो धारा का करना है हम। यदि मान लीजिए आपको किसी और चीज का औसत निकालने के लिए आता तो आप उस वैल्यू को यहां पर लिख देते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं, धारा का निकालना इसलिए मैंने आई लिखा है यहां पर। चलिए आगे देखिए, इसको हम इसमें सारी वैल्यू रख करके इसे सॉल्व करते हैं तो आई ए बी जो होगा वो कितना होगा? जीरो से टी अपॉन टू। आई की जो वैल्यू होती है क्या बताई थी मैंने आपको? आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी, यही तो बताई थी हमने आपको, और डी टी। अब ये जो टी अपॉन टू है वो नीचे है और मैं इसको बाहर निकाल देता हूं तो वन अपॉन टी अपॉन टू, और ये क्या हो जाएगा? टू अपॉन टी हो जाएगा बाहर आकर के, टू अपॉन टी कर सकते हैं या नहीं भाई? वन अपॉन टी अपॉन टू, इसको बाहर निकालेंगे तो टू ऊपर चला जाएगा, टू अपॉन टी हो जाएगा बाहर आकर के। ठीक है, इसको मैं लिख देता हूं यहां और ठीक से इस तरीके से। ठीक है, टू अपॉन टी जीरो से टी अपॉन टू,
इसमें देखिए ये जो आई नॉट है ये कॉन्स्टेंट है, इसको भी हम क्या कर देते हैं, बाहर कर देते हैं, क्या कर देते हैं इसको बाहर। बचा क्या आपका यहां से, साइन ओमेगा टी और डी टी, यही तो रहेगा। ठीक है, आगे देखिए, टू आई नॉट अपॉन टी। और देखिए अब आपको करना है कि जो साइन ओमेगा टी है इसका टी के सापेक्ष आपको समाकलन करना है। तो साइन थीटा फॉर्मूला याद होगा आपको, इंटीग्रेशन साइन थीटा डी थीटा कितना था, साइन थीटा का होता है माइनस कॉस थीटा, माइनस कॉस थीटा, और थीटा है आपका ओमेगा टी, और ओमेगा टी का आपको दोबारा से अपॉन में क्या करना होगा, अवकलन, और अवकलन होता है इसका ओमेगा टी का ओमेगा, और टी का हो जाएगा वन। ठीक है, आप कर सकते हैं, ये खत्म। और लिमिट जो है जीरो से टी अपॉन टू, ये आपकी यहां आ जाएगी। ठीक है, आई थिंक आप इतना कर सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं होगी आपको यहां तक। देखिए यहां पर एक फॉर्मूला लिख देता हूं मैं, यहां पर क्या लिख देता हूं फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला यूज किया हमने यहां पर, कि अगर आप जानते हैं साइन एन थीटा इंटू डी थीटा है, साइन एन थीटा है, एन क्या है, कोई भी कोण जो है उसका क्या है, गुणांक है। ठीक है, अगर साइन एन थीटा डी थीटा होता है, यानी कि साइन एन थीटा का थीटा के सापेक्ष अगर आप समाकलन करते हैं तो इसका फॉर्मूला होता है, क्या होता है, साइन थीटा का होता है माइनस कॉस थीटा, और थीटा है आपका एन थीटा, और एन थीटा इसमें एन का क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है, ये वाला एन अपॉन में आ जाता है, ये एक सिंपल सा फॉर्मूला है। ठीक है, तो यहां पर क्या है, कॉस एन थीटा, एन के एन का मान है आपका ओमेगा, और थीटा की जगह आपका टी, यानी कॉस ओमेगा टी का हो जाएगा साइन ओमेगा टी, हो जाएगा कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा, जैसे साइन एन थीटा का माइनस कॉस एन थीटा अपॉन, इसी तरीके से साइन ओमेगा टी का कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा हो जाएगा। ठीक है, आई थिंक आपको इतना समझ में आ रहा होगा। तो ये सिंपल सा फॉर्मूला आप याद कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो देखिए दोबारा समझ लीजिए, जिस प्रकार से साइन एन थीटा डी थीटा हमारा माइनस के कॉस एन थीटा अपॉन एन, क्या करा है मैंने, सुन लीजिए आप, साइन एन थीटा का, साइन एन थीटा का कॉस एन थीटा हो गया, एक माइनस चिन्ह और लग जाता है, और ये जो एन होता है कोण का जो गुणांक होता है वो नीचे आ जाता है। ठीक, आप साइन ओमेगा टी का कीजिए टी के सापेक्ष, तो देखिए साइन का तो हो जाएगा कॉस में चेंज कर दिया कॉस, यहां पर एन थीटा है, यहां पर ओमेगा टी है, तो एन थीटा की जगह ओमेगा टी आ रहा है, और देखिए टी के सापेक्ष तो हमने किया है, जिस प्रकार यहां पर हमने थीटा के सापेक्ष किया है, तो थीटा के साथ क्या है, एन, एन का डिवाइड हुआ है, इसी तरीके से हम कर रहे हैं टी के सापेक्ष, तो टी के साथ क्या है ओमेगा, तो यहां ओमेगा आ जाएगा नीचे, सेम यही चीज हमने यहां पर यूज किया है, एक तरीके से आपका फॉर्मूला हो गया और हमने यहां पर अप्लाई कर दिया है। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत ही नहीं होगी यहां तक। आगे देखिए, माइनस टू आई नॉट, माइनस के टू आई नॉट अपॉन टी, और ये जो ओमेगा है इसको भी आप क्या कर दें, बाहर कर दें, यानी ओमेगा टी हो गया, और यहां से देखिए आप क्या बचेगा आपका, केवल कॉस ओमेगा टी बचा, और जीरो से टी अपॉन टू ही आपकी लिमिट आ गई। आई थिंक आपको इतना समझ में आया होगा, अगर ये समझ में आ रहा है तो इसको मैं यहां पर कर देता हूं रफ करके, ये आपने नोट कर ही लिया होगा। देखिए एक लाइन और कर देता हूं नीचे, माइनस के टू आई नॉट अपॉन ओमेगा टी। अब हम रख देते हैं इसमें लिमिट, लिमिट रखने का तरीका क्या होता है, देखिए कॉस ओमेगा किसके सापेक्ष क्या था हमने, टी के सापेक्ष, अर्थात हमें टी की जगह एक बार तो लिखनी अपर लिमिट क्या है, टी अपॉन टू, फिर माइनस कॉस ओमेगा, अब टी की जगह लिखनी हमें लोअर लिमिट, लोअर लिमिट क्या है जीरो, ओमेगा इंटू जीरो हो जाएगा ये। ठीक है, ओमेगा इंटू जीरो कर लीजिए आप इसको, आई थिंक आपको इतना समझ में आया होगा, इसको भी आप क्या कर दें ऐसे कर सकते हैं। ओके, आगे देखिए यहां से आई ए वी, माइनस के टू आई नॉट अपॉन ओमेगा टी, देखिए कॉस ओमेगा टी अपॉन टू, तो कॉस ओमेगा
टी की जगह कर देंगे आप ओमेगा अपॉन टू तो है ही आपका ये, और टी की जगह करेंगे आप टू पाई बाई ओमेगा, टू पाई बाई ओमेगा होता है, आप जानते हैं टी इज इक्वल टू टू पाई बाई ओमेगा होता है, इसलिए मैंने टी की जगह टू पाई बाई ओमेगा कर दिया है। और कॉस कितना हो गया ये जीरो, ओमेगा इंटू जीरो यानी कॉस जीरो, और कॉस जीरो की वैल्यू क्या होती है, कॉस जीरो की वैल्यू वन हो जाती है, क्या हो जाती है, कॉस जीरो वन हो गया। यहां से देखिए आई ए वी माइनस के टू आई नॉट अपॉन ओमेगा, और टी की जगह फिर से टू पाई बाई ओमेगा कर देंगे और ये ओमेगा आ गया हमारा ऊपर, देखिए ओमेगा खत्म टू से टू खत्म। कॉस 180 का मान कितना होता है, कॉस 180 का मान होता है जीरो माइनस, कॉस 180 का मान होता है हमारा माइनस के वन, और माइनस के फिर से वन, और आई ए बी यानी कि एवरेज आ गया विद्युत धारा का माइनस के टू आई नॉट ओमेगा से ओमेगा खत्म अपॉन टू पाई और माइनस वन माइनस वन माइनस के टू, ठीक है। और यहां से देखिए आप क्या आ जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस और इस दो से दो खत्म, ठीक है, टू आई नॉट अपॉन पाई, टू आई नॉट अपॉन पाई, ये आ गया हमारा धारा का औसत मान, ठीक है। और ये किसके लिए आया, धनात्मक अर्धचक्र के लिए निकाला मैंने ये, ठीक है। तो ये कितना आ रहा है, धनात्मक अर्धचक्र के लिए क्या आ रहा है, धनात्मक। अब इसी प्रकार से हम ऋणात्मक अर्धचक्र में अगर हम निकालना चाहें तो क्या आएगा, माइनस के टू आई नॉट अपॉन पाई, सेम टू सेम यही आएगा, लेकिन ऋणात्मक अर्धचक्र के लिए क्या जाएगा, नेगेटिव आएगा ये आंसर, ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं होगी। अब मैं इसको यहां से थोड़ा सा रफ कर देता हूं और यहां पर मैं इसको कर देता हूं, चलिए यहां मैं यहां रफ कर देता हूं इसको, है ना, यहां कर दूंगा, देखिए लिखेंगे आप इसी प्रकार, इसी प्रकार ऋणात्मक अर्ध चक्र के लिए धारा का, विद्युत धारा का, या कह सकते हैं आप प्रत्यावर्त धारा का औसत मान कितना होगा, आई ए वी वो कितना होगा, भाई ऋणात्मक अर्ध चक्र के लिए ठीक, इसका नेगेटिव हो जाएगा बस, टू आई नॉट अपॉन पाई, ये आ गया अर्धचक्र के लिए, ठीक। यहां पर मैं, ठीक है, यहां पर मैं आप क्या करने वाला हूं, दोनों को ऐड कर दूंगा पूरे एक चक्र के लिए। देखिए अगर मान लीजिए बोर्ड में अगर इतना आता है कि प्रत्यावर्ती धारा का अर्धचक्र के लिए औसत मान का व्यंजक प्राप्त कीजिए या औसत मान कितना होता है, तो आप केवल यहीं तक करेंगे, कितना करेंगे, सिर्फ यहीं तक कर देंगे आप, ठीक है। अगर मान लीजिए ये प्रूफ करने के लिए आए कि सिद्ध कीजिए प्रत्यावर्ती धारा के पूरे एक चक्र के लिए धारा का औसत मान शून्य होता है, तो आप यहां के बाद इसी प्रकार करके आप ऋणात्मक अर्धचक्र के लिए भी निकालेंगे, ठीक है, और फिर आप कर देंगे दोनों का ऐड। अतः आप लिखेंगे, अतः एक चक्र के लिए, एक पूर्ण चक्र के लिए प्रत्यावर्ती धारा का, प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान, ठीक है, कितना होगा, कुल मान निकाल रहा हूं मैं। इसमें आप एक काम कर लीजिए, धनात्मक के लिए मैं यहां पर प्लस बना देता हूं, ऋणात्मक के लिए यहां पर माइनस लगा देता हूं, ठीक है, और पूरे एक चक्र के लिए आप क्या करेंगे, आई ए बी पॉजिटिव और आई ए बी नेगेटिव अर्धचक्र, इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, टू आई नॉट अपॉन पाई और यहां करेंगे आप माइनस के टू आई नॉट अपॉन पाई,
और आप देख रहे हैं माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, कैंसिल होकर के जीरो हो गया। तो पूरे एक चक्र के लिए धारा का औसत मान क्या आ गया, शून्य आ गया। क्या आ गया, शून्य आ गया। तो आप क्या लिखेंगे यहां पर, लिख सकते हैं अतः प्रत्यावर्ती धारा का, प्रत्यावर्ती धारा का पूर्ण एक चक्र के लिए, पूर्ण एक चक्र के लिए औसत मान सदैव शून्य होता है, शून्य होता है। और इसी तरीके से आप सिद्ध कर सकते हैं कि संपूर्ण एक चक्र के लिए प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान क्या होता है, शून्य होता है। तो आई थिंक आपको इतना समझ में आया होगा, काफी सिंपल सा डेरिवेशन है, ओनली इसमें इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन है। अगर आपको इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन आते हैं तो ये डेरिवेशन काफी सिंपल भी है, ठीक है, काफी सिंपल है। लेकिन जो बायो वाले स्टूडेंट है उनके लिए थोड़ा सा ये मुश्किल होता है, थोड़ा सा समझने में भी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि समाकलन अवकलन, ठीक है, उनको अच्छे से नहीं आते हैं। तो अगर मान लीजिए आपको समाकलन अवकलन बहुत अच्छे से आपने प्रैक्टिस कर रखे हैं, उनके फॉर्मूले आपको अच्छे से लर्न है, तो ये डेरिवेशन काफ़ी सिंपल है आपके लिए। तो आप सबसे पहले मेरे कहने से आप ट्राई करें कि सबसे पहले जो बेसिक फॉर्मूले होते हैं समाकलन अवकलन यानी डिफ्रेंशिएशन और इंटीग्रेशन के, आप पहले उनको समझिए, उनको आप अप्लाई कीजिए, छोटे छोटे क्वेश्चन लीजिए आप मैथमेटिक्स के, और उसमें आप सिंपल फॉर्मूले जो है समाकलन अवकलन के उनको अप्लाई करना सीखिए आप, कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए उससे, ठीक है, 10-20 क्वेश्चन, आप चाहे तो 10 क्वेश्चन समाकलन के और 10 क्वेश्चन अवकलन के बेसिक फॉर्मूले पहले लिख लीजिए, उसके बाद सबसे पहले आप अवकलन के कीजिए 10 क्वेश्चन, ठीक है, उनको आप अप्लाई कीजिए फॉर्मूलों को क्वेश्चन के अंदर, और उसके बाद आप समाकलन लीजिए और समाकलन के 10 क्वेश्चन कीजिए, ठीक है। आप जिस जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे कुछ क्वेश्चन समाकलन अवकलन के, उसके बाद देखना ये डेरिवेशन आपके लिए बहुत ही सिंपल हो जाएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा। तो मेरे कहने से आप एक बार प्रैक्टिस ज़रूर कर लें, अगर आप ना कर सकते हो तो अपने किसी साथी से जो कि मैथमेटिक्स का हो आप उससे भी बेसिक फॉर्मूले अप्लाई करना सीख सकते हैं, चाहे तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिससे कि आपके फिजिक्स के डेरिवेशन, बहुत से ऐसे डेरिवेशन हैं जो समाकलन अवकलन के बेसिक फॉर्मूले पर डिपेंड करते हैं, तो आप उनको ज़रूर देख लें। अगर आपको वीडियो समझ में आया हो तो लाइक करें, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक लीजिए हिंद, वंदे मातरम।